जैसे स्वच्छता का एक महत्व है, सौंदर्यकरण भी, ब्यूटिफिकेशन, ये भी मैं तो चाहता हूं दुनिया में ब्यूटी कॉम्पिटिशन होती है, जो होती है वो होती है, मुझे उसमें कुछ कहना नहीं है, लेकिन क्या हम हमारे नगर में वर्ल्ड ब्यूटी कॉम्पिटिशन कर सकते हैं क्या? कौन सा वार्ड सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल है? सफाई का पैरामीटर हो सकता है, सौंदर्य की दृष्टि से किए गए इनिशिएटिव का पैरामीटर हो सकता है। हर नगर अपना विकसित करे, जूरी बनाए, दीवारों को कैसे रंगा गया है, दुकानें हैं तो बोर्ड कैसे लगे हुए हैं, गलियों के साइन बोर्ड है तो कैसे लिखे गए हैं, एड्रेस कैसे लिखा जाता है, ऐसे अनेक बातें हैं। उन सारी बातों को अगर आप लगातार शहर में ये जोड़ते, अब जैसे अभी एक स्पर्धा ऑर्गेनाइज हुई है, आजादी का अमृत महोत्सव। अब आजादी का अमृत महोत्सव उसमें तीन चीजें कही है जो आप सामान्य मानवी से करवा सके। एक कि आजादी के अमृत महोत्सव के निमित्त रंगोली स्पर्धा, लेकिन रंगोली भी सौंदर्य के साथ जुड़ी हुई रंगोली नहीं, आजादी की आंदोलन की किसी न किसी घटना से जुड़ी हुई रंगोली। अगर ये पूरे शहर में आप स्पर्धा करें, आने वाले 26 जनवरी तक इसको बड़ा माहौल बनाएं, देखिए बदल हो सकता है कि नहीं हो सकता है। उसी प्रकार से आपके शहर में आजादी के आंदोलन में जो हुआ हो उसके लिए कुछ गीत लिखे जाएं, आपके शहर में आजादी के आंदोलन में घटी घटना के संबंध में कुछ गीत लिखे जाएं, उन गीतों की स्पर्धा हो, आपके राज्य के अंदर जो घटनाएं घटी है उसके गीतों की स्पर्धा हो, देश की महान घटनाओं को जोड़ करके उनकी स्पर्धा हो, आप देखिए बदलाव होगा कि नहीं होगा।